दोस्तों, आज मैं ऐसे फनकार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री से तकरीबन पिछली 3 दहाइयों से जुड़े हुए हैं। वो एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने शोबिज से मुंसलिक जिस शोबा में भी कदम रखा है, वहीं पर मुनफरद मकाम और शनाख्त बनाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ अदाकार नबील जफर के बारे में। अम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, थोड़ा सा बिजी था पढ़ाई में। आप कैसे परेशान हो जाती? अच्छा झूठ मत बोलो। मुझे इतने अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं, एक भी बुरा नहीं हुआ। आपको एक बुरा ख्वाब आया और आप डर गई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अदाकार नबील जफर का असल नाम नदीम जफर है और शोबिज में आने के बाद आपने अपना नाम तब्दील कर लिया और नबील जफर रख लिया। अदाकार नबील जफर 1 सितंबर 1968 को टोबा टेक सिंह में एक अराई फैमिली के मुअज्जज़ घराने में पैदा हुए हैं, मगर बाद में आपके वालदैन फैसलाबाद में आकर सेटल हो गए और आपने अपनी इब्तदाई तलीम और बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री भी फैसलाबाद ही से हासिल की। आपकी वालदा चाहती थी कि आप डॉक्टर बने और आपके मामू चाहते थे कि आप बैंकर बने, मगर कॉलेज की स्टडी के दौरान आपने कॉलेज के वैरायटी प्रोग्राम और थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद आप लाहौर चले आए। याद रहे कि नबील जफर के वालदैन ने उन्हें इस शर्त पर लाहौर जाने की इजाज़त दी थी कि वो वहां जाकर अपनी तलीम को भी जारी रखेंगे और मास्टर डिग्री हासिल करेंगे। अदाकार नबील साहब जब लाहौर आए तो उन्होंने लाहौर में मौजूद अपने रिश्तेदारों के घर में रहने की बजाय, या ये कह लें कि उन्हें डिस्टर्ब करने की बजाय, शादमान लाहौर में हाउस नंबर 726 को किराए पर ले लिया, क्योंकि वो जानते थे कि एक फनकार की कोई ड्यूटी टाइम नहीं होते और अगर वो अपने रिश्तेदारों के घर रहते तो शायद वो उनकी ड्यूटी टाइम से डिस्टर्ब हो जाते। अदाकार नबील साहब के मुताबिक मकान नंबर 726 शादमान लाहौर का घर उनके अलावा नसीम विक्की, कोयटा से आए हुए फनकार एजाज नैयर और अशरफ खान, जो कि मशहूर ड्रामा 50/50 से मशहूर हुए थे, इन सब के लिए बहुत लक्की साबित हुआ। ये तमाम फनकार उस मकान में एक साथ रहते थे। 90 की दहाई में स्टेज ड्रामा लाहौर और फैसलाबाद में अरूज पर था। नबील जफर साहब जब फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हुए तो उन्हें लाहौर थिएटर में बहुत जल्द काम मिल गया और उन्हें थिएटर के अंदर काम के लिए कोई ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आई, जिसकी एक वजह उनका दराज कद और खुशकुन शक्ल थी। उनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पैदा ही हीरो के रोल के लिए हुए हैं, जिनके ऊपर कोई दूसरा रोल सजता नहीं, कोई दूसरा किरदार लोगों को पसंद नहीं आता। उसके अलावा आप पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी काम करने के लिए कोशिशें थे, मगर कई एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने आपसे वादा किया कि वो जल्द आपको काम देंगे, लेकिन कई कई घंटे पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर के गेट पर खड़े होने के बाद उन्होंने तहैया कर लिया कि अब वो यहाँ नहीं आएंगे और टेलीविज़न पर काम नहीं करेंगे। एक तरफ तो आपने पाकिस्तान टेलीविज़न पर काम ना करने का तहैया किया तो दूसरी तरफ आपका शुमार लाहौर थिएटर के बेहतरीन अदाकारों में होना शुरू हो गया। एक दिन आप पर किस्मत की देवी मेहरबान हुई तो पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोड्यूसर अब्दुल अजीज़ मरहूम ने आपको अप्रोच की और आपसे कहा कि आप टेलीविज़न पर क्यों नहीं काम करते। तो फिर आपने सारा किस्सा उनको बता दिया कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन काम नहीं मिल सका। प्रोड्यूसर अब्दुल अजीज़ मरहूम मुस्कराए और उन्होंने आपसे कहा कि आप पंजाबी ड्रामों में काम करोगे, तो आपने हाँ कर दी और फिर इस तरह उस वक़्त बनने वाला ड्रामा सीरियल आज की कहानी के एक खेल नया चंद में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाने का मौका मिला। ड्रामा नया चंद में आपने एक यंग डॉक्टर का किरदार निभाया था। दोस्तों, अब बात करते हैं नबील जफर साहब के उस ड्रामे की जिससे आपको मुल्क गीत शोहरत मिली। उस ड्रामा का नाम था देन और मज़े की बात है इस ड्रामे में आपके साथ आपकी को स्टार रेशम थी। ड्रामा दिन में आपने मोहम्मद कबीर खान के बेटे का किरदार अदा किया था। नबील जफर साहब को अपने करियर के शुरू की को स्टार आरफा सदीकी बहुत पसंद हैं।
और आपने आरफा सदीकी के साथ ड्रामा दलदल में काम किया था। दोस्तों आप बात करते हैं नबील जफर साहब के चंद मशहूर ड्रामों की, तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं, दिन, दलदल, धुआं, ये क्वेटा टेलीविजन सेंटर की पेशकश थी, मंजल, जोरू का गुलाम, अजैब खाना। अजैब खाना ऐसा ड्रामा है जिसको नबील साहब कहते हैं कि ये मेरा पसंदीदा खेल था, शाला कोट, किस्सा सात रातों का, शादी का लड्डू, डुगडुगी, दुल्हा बाई, लव के लिए और ड्रामा हनीमून वगैरह शामिल हैं। दोस्तों नबील जफर साहब 90 की दहाई का ऐसा पीटीवी का मसरूफ तरीन अदाकार था जिसका एक महीना लाहौर में तो दूसरा कराची में गुजरता था, यानी आप मसलसल ट्रैवलिंग में रहते थे। तो फिर आपको पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ अदाकारा बुशरा अंसारी और एक्टर प्रोड्यूसर काजम पाशा ने मशवरा दिया कि आप क्यों नहीं कराची शिफ्ट हो जाते। तो फिर आपने उनका मशवरा माना और 1998 में आप लाहौर से कराची मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हो गए। कराची में रहकर आपने ड्रामा वादा को सबसे पहले बतौर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किया। आपने एक अपना अदारा MIF प्रोडक्शन के नाम से बनाया। MIF प्रोडक्शन हाउस ने सबसे पहले मजाया खेल बुलबुले को प्रोड्यूस किया। याद रहे कि बुलबुले में नबील का किरदार जो था पहले किसी और ने निभाना था, लेकिन जब आप इस ड्रामा को प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे थे तो आपके पास इतना बजट नहीं था कि ज़्यादा फनकारों को अफोर्ड कर सकें। तो फिर बुलबुले के राइटर ने आपको मशवरा दिया कि क्यों ना ये रोल आप खुद अदा कर लें। इस तरह आप अपने ही प्रोडक्शन के पहले ड्रामे का हिस्सा बन गए। दोस्तों मजाया खेल बुलबुले 2009 में ARY से पहली दफ़ा नशर हुआ था और अब ये ड्रामा 11 साल से मुतवातर अवाम में देखा जा रहा है और इसकी मकबूलियत में कोई कमी वाकया नहीं हुई। बुलबुले ऐसा ड्रामा है जो कि बच्चे, जवान और बूढ़ों में यकसा पसंद किया जाता है। मेरा मतलब है कि किसी और चीज की जरूरत हो गए थे दसे जी, एक हेलीकॉप्टर ले दे। दोस्तों अदाकार नबील ने ड्रामा के अलावा एक पाकिस्तानी फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम था फतेह। मगर सिल्वर स्क्रीन में आपको कुछ ज्यादा मजा नहीं आया और आपने उसके बाद किसी भी दूसरी फिल्म में काम नहीं किया। बोल टेलीविजन चैनल की मैनेजमेंट ने जब अपना दूसरा चैनल बोल एंटरटेनमेंट एस्टेब्लिश करना था तो उन्हीं की खिदमात को लिया गया। आप बोल एंटरटेनमेंट के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहे हैं। अदाकार नबील जफर के बारे में ये मशहूर है कि आप यारों के यार हैं और अपने दोस्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। मशहूर कॉमेडियन अदाकार नसीम विक्की को आप ही फैसलाबाद से लाहौर लेके आए और फिर उन्हें थिएटर और टेलीविजन पर मुतारफ़ करवाया। दोस्तों अब आखिर पर बात करते हैं नबील जफर साहब की अज़वाजी ज़िंदगी की। आप ड्रामा देश प्रदेश की शूटिंग करने के लिए स्कॉटलैंड के शहर ग्लास्को गए हुए थे। वहां पर आपकी मौजूदा वाइफ ने चाहा कि आपसे ऑटोग्राफ लें। आपने उनको ऑटोग्राफ तो दिया लेकिन आपको वो पहली ही नज़र में पसंद आ गई और फिर दोनों ने वालदैन की रजामंदी से सन 2000 में शादी कर ली। याद रहे कि आप अपनी वाइफ को कभी भी किसी भी मॉर्निंग शो में नहीं लेकर आए हैं। नबील जफर साहब को अल्लाह ताला ने 3 बेटे और 1 बेटी से नवाजा है। आपके 2 बेटों के नाम मूसा ईसा हैं और आपकी बेटी का नाम फातिमा है। नबील जफर साहब ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम MIF रखा है जिसका मतलब भी यही है, मूसा ईसा फातिमा प्रोडक्शन हाउस। आपकी बेटी फातिमा बुलबुले में काम कर चुकी हैं। नबील जफर साहब अपनी वाइफ के बारे में कहते हैं कि वो मशरक और मगरब का खूबसूरत इम्तजाज हैं और मशरक और मगरब के कल्चर को एक साथ लेकर चलती हैं और ये उन्हें पसंद है। आखिर पर यह भी बताता जाऊं कि आपका एक छोटा भाई वकार है जो कि स्कॉटलैंड में सेटल है। आपकी पसंदीदा विजिटिंग प्लेस जो है वो स्कॉटलैंड और लाहौर है।
और ये भी बताता जाऊँ कि पीके मेगा वीडियोस चैनल को यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन वसूल हो चुका है। स्पेशली नबील जफर साहब या फिर कोई भी बड़ा फनकार इस सिल्वर बटन की ओपनिंग बक्स करना चाहे तो पीके मेगा वीडियो के एडमिन से आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है, अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।